टूनी बहन, इस बार मेरा मजबूत घर बनाना, पिछली बार की तरह नहीं जो जरा सी आंधी तूफान में गिर जाए। गोरी बहन, आपने लालच किया था, मुझसे गले सड़े लकड़ियों से घर बनवाया था, इसलिए आपका घर जल्दी टूट गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं लालच नहीं करूंगी। टूनी बहन, इस बार आप खुद मजबूत से लकड़ियां ले आना, मैं पैसे दे दूंगी। गोरी बहन, इस समय तो मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है, तो मैं आपके लिए लकड़ियां कहां से लाऊं? गोरे कव्वी और टूनी चिड़िया आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मिट्टू तोता आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैं बाजार से एकदम मजबूत लकड़ियां ले आया हूँ, इस बार तो मेरा मजबूत घर बन जाएगा ना? हाँ मिट्टू तोते, आपका घर बहुत मजबूत बनेगा, फिर आपको बारिशों में भी भीगना नहीं पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया मिट्टू तोते के साथ चली जाती है। वो दोनों मिलकर शाम तक लकड़ियों का एक घर बना लेते हैं। लो मिट्टू भैया, आपका घर तैयार हो चुका है। हाँ टूनी बहन, अब मेरी सारी परेशानी दूर हो चुकी है, अब तो मैं आराम से अपने नए घर में रहूँगा, आंधी तूफानों की भी कोई चिंता नहीं है, घर तो मैंने बहुत ही ध्यान से बनाया है, बस भगवान करे पूरी मजबूती से टिका रहे। टूनी चिड़िया, ये लो अपने पैसे, और बारिशों से पहले अपना भी मजबूत घर बना लेना, ताकि तुम भी आराम से बारिशों के मौसम में रह सको। धन्यवाद मिट्टू तोते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल ही इन पैसों से लकड़ियां ले आऊंगी और अपना मजबूत सा घर बना लूंगी। टूनी चिड़िया भी अपने लिए अगले दिन एक नया सा घर बना लेती है। जैसे तैसे कालू और गोरी भी अपना नया घर बना लेते हैं। बरसातों का मौसम भी शुरू हो जाता है। गोरी, चलें चलें, शायद आज बारिश नहीं होगी, तो हम थोड़ा भोजन और खोज लाते हैं। ठीक है कालू जी, परंतु हम उस टूनी चिड़िया के साथ नहीं जाएंगे, उसने हमारा घर नहीं बनाया था। फिर वे दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में मिट्टू तोता रोक लेता है। आप दोनों ऐसी बरसात के मौसम में कहाँ जा रहे हो? अरे मिट्टू तोते, अभी बारिश तो नहीं हो रही है ना, इसलिए हम भोजन लेने ही जा रहे हैं। क्या पता इस बार बारिशें लंबी हो, तो कम से कम खाने को भोजन तो रहेगा ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है कालू, मैं भी आप दोनों के साथ चलता हूँ। हम टूनी चिड़िया को भी साथ में ले चलते हैं, है ना? नहीं नहीं मिट्टू तोते, अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलें, वरना रहने दें, हम दोनों पति पत्नी भोजन लाने जा रहे हैं। गोरी बहन, इस समय तो टूनी चिड़िया हमें तालाब पर मिल जाएगी, हम टूनी को भी साथ ले चलते हैं। ना समझ मिट्टू तोते, तेरी समझ में कोई बात नहीं आती है क्या? मैं उस टूनी चिड़िया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। फिर तो आप दोनों जाएं, क्योंकि मैं तो सिर्फ टूनी चिड़िया के साथ ही दाना लाने जाऊंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ मिट्टू तोते, है तो तू उस टूनी चिड़िया का चमचा ही, उसके बिना तो तुम हिल भी नहीं सकते हो। ऐसे बातें करते हुए कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया भी अपने घर को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगी हुई थी। अरे टूनी बहन, ये आप क्या कर रही हो, अभी तक आपका घर बनकर तैयार नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो बस ऐसे ही अपने घर को खाली समय में मजबूत कर रही थी। बताएं बताएं मिट्टू तोते, कैसे आना हुआ? गोरी और कालू वे दोनों भोजन लाने गए हुए हैं। जब मैंने कहा कि हम टूनी को भी साथ ले चलते हैं, तो पता नहीं क्यों गोरी कवि ने फट से मना कर दिया। गोरी कवि तो है ही ऐसी, आप उदास ना हो, हम दोनों भोजन लाने चलते हैं। ऐसा कहकर टूनी और मिट्टू तोता भोजन लाने चले जाते हैं। शाम होने पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, अच्छा हुआ हम बारिश से पहले पहले घर आ गए, वरना हमें रास्ते में ही भीगना पड़ता। हाँ हाँ गोरी जी, और ढेर सारे चने के दाने भी तो मिले हैं। रात को तेज बारिशों के साथ बड़ा तूफान भी आता है। कबूतर को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसका घर पिछले साल का बनाया हुआ पुराना घर था, इसलिए उसका घर जोर जोर से हिल रहा था और उसके घर में जरा सा पानी भी टपक रहा था। काश मैं भी बाकियों की तरह अपना नया घर बना लेता, तो मुझे बारिशों के साथ सोना नहीं पड़ता। कबूतर जी, आपकी आलस के कारण हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अरे कबूतरी, इस बार माफ कर दो, अगली बार बारिशों के मौसम के आने से पहले ही नया घर बना लूंगा। बारिश इतना तेज था कि थोड़ी देर के बाद कबूतरों का घर टूट जाता है और वे तीनों घर के नीचे दब जाते हैं। बचाओ कबूतर जी बचाओ, घर टूट गया। कबूतर और कबूतरी तो बच जाते हैं, परंतु उनका बेटा चिंकू तो घायल हो गया था।
लूसी, तुम चिंकू को लेकर टूनी के घर जाओ और मैं उन्हीं के पास बुलबुल को लेकर आता हूँ। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर को लाने वहाँ से चला जाता है और लूसी चिंकू को अपने पीठ पर लेकर टूनी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोले, मेरा बेटा बारिश में भीग रहा है। चिड़िया तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है। लूसी बहन, चिंकू को क्या हुआ है और ऐसे बारिश में कबूतर भैया कहाँ है? टूनी बहन, ये सब कबूतर जी के ही कारण हुआ है। उन्होंने नया घर नहीं बनाया था इसलिए तूफान में टूट गया और मेरा चिंकू घायल हो गया। और बबलू भी बुलबुल को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जान तो बच जाएगी आपके बेटे की, परंतु ये कभी भी उड़ नहीं पाएगा, इसके पंखों की हड्डी टूट गई है। देखा बबलू जी, आपके कारण हमारा बेटा चिंकू अब कभी भी उड़ नहीं पाएगा। मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। लूसी बहन, आप चुप हो जाएं। चाहे हम कितना भी नया घर बना लें, फिर भी वह तेज तूफान में टूट ही जाता है। वे सब ऐसे बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। तूफान इतना तेज है कि मेरा नया घर भी टूट गया है। टूनी बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो। देखा लूसी बहन, हम पक्षियों का तो ऐसा ही होता है, चाहे कितना भी मजबूत घर क्यों ना बना लें, फिर भी तेज तूफान उन्हें उड़ा ले जाता है। फिर वे सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में ही रात गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है। फिर वे सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर में ही रहने लगते हैं। एक रात बहुत बड़ा तूफान आता है और चिड़िया का घर भी तहस नहस हो जाता है। टूनी चिड़िया ने तो इतना मजबूत घर बनाया था, लेकिन वो भी इस तूफान में गिर गया। दोस्तों, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें इस तूफान से बचाए। हाँ हाँ कबूतर, हम और भी ज्यादा मजबूत लकड़ियों से घर बनाएंगे। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं लकड़ियों का घर नहीं बनाऊंगी। लकड़ियों का घर कहाँ ज्यादा दिन तक टिक पा रहा है, इसलिए अब मैं लकड़ियों से घर कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो फिर टूनी चिड़िया, तुम किसका घर बनाओगी? जंगल में तो सारे घर लकड़ियों से ही बनते हैं ना। मिट्ठू तोते, मैं बांस का घर बनाऊंगी। मैंने सुना है कि बांस का घर लंबे समय तक चलते हैं। आपको पता तो है ना कि आप क्या कह रहे हैं, बांस का घर बनाना आसान नहीं होता और हमारे जंगल में तो बांस ही नहीं है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बांस का ही घर बनाऊंगी। मुझे ही पता है मेरे चिंकू को कितनी तकलीफ होती है ये जानकर कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता। ठीक है, हम आप दोनों के कहने से बांस का घर बनाते हैं, परंतु घर बनने में लंबा समय लगेगा, तब तक हम कहाँ रहेंगे, वो भी ऐसे बारिश तूफानों के दिन में। कबूतर भैया, जब तक हमारा घर ना बने, हम गोरी और कालू कौवा के घर में रहेंगे। फिर वे सभी कालू और गोरी के घर पहुँच जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। मेरे घर में फालतू पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है, आए बड़े बांस घर बनाने। टूनी चिड़िया, आप बांस घर को रहने दे और लकड़ियों का ही घर बना ले, वो शाम तक में ही बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा मत कहें गोरी और कालू, बस हमें आप थोड़ी सी जगह दे दें, बांस घर तैयार हो जाएगा तो हम सब अपने घर चले जाएंगे। लेकिन गोरी और कालू उसे साफ साफ मना कर देते हैं। टूनी चिड़िया फिर से उदास हो जाती है। पक्षियों, जब तक हमारा बांस घर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम इस खोखले पेड़ पर गुजारा कर लेंगे। हाँ हाँ, थोड़ी हवा जरूर लगेगी, परंतु हम बारिश से तो बच जाएंगे। फिर वे सभी पक्षी दूर दूर जंगल जाते हैं और बांस इकट्ठा करते हैं और अपने पेड़ घर में गुजारा करते हैं। धीरे धीरे उनका बांस घर बनकर तैयार हो जाता है। देखो दोस्तों, हमारी मेहनत और लगन से बांस घर बनकर तैयार हो गया। अब हमें तूफानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बांस घर बहुत मजबूत बना है। फिर वे सभी अपने बांस घर में रहने लगते हैं। एक रात तेज तूफान से गोरी और कालू कौवे का घर भी टूट जाता है और वो घबराए हुए टूनी चिड़िया के घर आते हैं। टूनी चिड़िया, तेज तूफान में हमारा घर भी टूट गया है, कृपया हमें अपने घर में जगह दे दो। नहीं नहीं चिड़िया बहन, इन दोनों को घर के अंदर नहीं आने देना। याद करो वो दिन जब हम इनके घर गए थे और इन्होंने हमें इनके घर में आने से मना कर दिया था। टूनी चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उस दिन मैंने आपकी मदद नहीं की और आपका मजाक भी बनाया। बबलू कबूतर भैया, इन दोनों ने हमारी मदद नहीं की थी, परंतु हम तो बुरे नहीं हैं और वैसे भी हमें मुसीबत में पक्षियों की मदद करनी चाहिए। हाँ कबूतर, हमें माफ कर दो,
हम भी अगली बार से अच्छा ही काम करेंगे और बुरा काम कभी नहीं करेंगे। फिर वे सभी पक्षी कालू और गौरी को माफ कर देते हैं और वे सभी पक्षी बांस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था, टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा और उसका एक अंडा। वे अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसके अंडे से बच्चे निकलने ही वाला था। टूना सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाता। मम्मा चिड़िया सारा दिन अंडे का रक्षा करती और अपने अंडे से बातें करती रहती थी। अगर इस अंडे से बेटा निकला तो उसका नाम कुकू रखूंगी और अगर बेटी निकली तो गुड़िया कहकर पुकारूंगी। मैं अपने बच्चे की हर खुशी पूरी करूंगी, अच्छे से अच्छे भोजन लाकर दूंगी अपने बच्चे को। टूनी चिड़िया बैठे बैठे ऐसे बातें कर रही थी तभी उन्हें एक आहट सुनाई। फिर टूनी चिड़िया शांत होकर घोंसले में छुप जाती है। मिल जाए कोई तो शिकारी मिल जाए, आज सुबह से ही घूम रहा हूँ। अपने आसपास शिकारी को देखकर टूनी चिड़िया डर जाती है और घोंसले में छुपकर बैठ जाती है और अपनी नज़र शिकारी पर रखती है। नहीं, यहाँ तो कोई शिकार नहीं है, ना ही कोई चिड़िया है और ना ही कोई मैना। लगता है मुझे कहीं और जाना होगा, मैं कल फिर इस दिशा में आऊँगा। यह कहकर शिकारी वहाँ से चला जाता है। शिकारी को जाता देख टूनी चैन की सांस लेती है और बोलती है, अब शिकारी ने यह रास्ता देख लिया है, लगता है हमें यहाँ से और कहीं जाना होगा, किसी और सुरक्षित जगह पर जाना होगा हमें। उधर टूना को भी भोजन मिल जाता है और टूना भोजन लेकर घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है। और इधर टूनी बेसब्री से टूना का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही टूना घोंसले में आता है तो टूनी टूना को सारी बातें बताने लगती है। वो शिकारी यहाँ तक पहुँच गया था, वो तो मैंने देख लिया और मैं छुप कर बैठ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। वो फिर से लौट कर आएगा, इससे पहले वो शिकारी लौट कर आए हमें अपने लिए कहीं और घोंसला बनाना होगा। क्यों ना हम अपना घोंसला नदी के पास बना ले, हाँ वहाँ हमें पानी भी आसानी से मिल जाएगा और वो जगह भी सुरक्षित है। मैं आज वहाँ जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर जल्दी से घोंसला बना लेंगे। मगर हमारा अंडा भी तो है, इसका देखभाल कौन करेगा। हम अपना अंडा यही छोड़कर जाते हैं और नया घोंसला बनाकर फिर इस अंडे को यहाँ से लेकर जाएंगे। फिर वे पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वे दोनों जंगल के उस पार जाकर नया घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। एक कौवा और कौवी उड़ते उड़ते चिड़िया के पुराने घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। फिर कौवी कौवा से कहती है, कालू वो देखो सामने घोंसले में किसी पक्षी का अंडा पड़ा है, शायद ये अंडा कोई पक्षी छोड़कर चला गया होगा, चलो इसे उठाकर अपने घोंसले में लेकर जाते हैं, कल मेरे मामा जी आएंगे तो उन्हें दे देंगे, मेरे मामा जी अंडा पीना बहुत पसंद करते हैं। नहीं जी, ये अंडा मेरी माँ पी लेगी, मेरी माँ भी कल आने वाली है, मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, ये अंडा खाकर थोड़ी तो ताकत आएगी। यह कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी का अंडा उठाकर वहाँ से चला जाता है। टूनी और टूना भी अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। फिर टूनी बोलती है, बाकी का काम आप कर लीजिए और मैं अंडा के पास जाती हूँ। ठीक है टूनी, ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। फिर टूनी अपना अंडा लाने वहाँ से रवाना हो जाती। पुराने घोंसले में आकर देखती है कि उसका अंडा नहीं है। तब टूनी बोलती है, मेरा अंडा कहाँ चला गया, लगता है कोई मेरा अंडा उठा कर ले गया। मैंने अपने अंडा की सुरक्षा के लिए ही तो नया घोंसला बनाया था, मगर मेरे अंडा को कोई उठा कर ले गया। टूनी अपने घोंसले में अंडा ना पाकर बहुत रोती है और रोते हुए टूना के पास चली जाती है। टूना के पास पहुंचकर टूनी रोते रोते कहती है, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, किसी जालिम ने हमारा अंडा चुरा कर ले गया, पुराने घोंसले में अंडा नहीं है। टूनी की यह बात सुनकर टूना हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या हो गया, हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा है।
टूना और टूनी बैठे बैठे रोते रहते हैं। फिर रात हो जाती है। टूनी और टूना भोजन किए बिना ही अंडे के बारे में सोचते रहते, और इधर गोरी और कालू भी अपने घोंसले में बैठे होते हैं। गोरी और कालू को अंडे से कुछ हरकत महसूस होती है। फिर गोरी अंडे को कान लगाकर देखती है और कहती है, कालू जी, ओ कालू जी, अंडे में तो बच्चा भी बन गया है। अब ये अंडा पीने लायक भी नहीं रहा। मुझे अंडे में से बच्चे की हिलने डुलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो फिर इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर अंडे से बच्चा बाहर आ गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ना जाने किस पक्षी का होगा। अगर तोता हुआ तो उसकी टेंटे से मुझे नींद ही नहीं आएगी। नहीं कालू, ऐसे नहीं फेंकते अंडे को। मैं ये अंडे कालन नदी में फेंकाऊंगी। फिर टूना और टूनी सो जाते हैं। सुबह होने पर टूना टूनी से कहता है, टूनी तुम हौसला रखो, ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा। अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम बीमार हो जाओगी। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी पहले ही सोच रखे थे। मुझे मेरे अंडे की बहुत याद सता रही है। मैं भोजन लेकर आता हूँ। हमें एक दूसरे के सहयोग से ये गम भूलना होगा। फिर टूना भोजन लाने के लिए चला जाता है। इधर गोरी कहती है, कालू आज तुम जाओ और भोजन लेकर आओ, और मैं इस अंडे को फेंक कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी अंडा लेकर नदी की ओर चली जाती है, और टूना भी भोजन लेकर आ रहा होता है। तभी टूना गौरी के पास अंडा देख लेता है। फिर टूना गौरी को रोक लेता है और पेड़ पर बैठकर कहता है, गौरी कल हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है, क्या ये अंडा आपका है? तब गौरी कौवी टूना को समझाती है और कहती है, हाँ ये अंडा मेरा है और मैं इसे बेचने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत है। यह सुनकर टूना मन ही मन सोचता है, मैं यह भोजन देकर गौरी से अंडा ले लेता हूँ। यह अंडा दिखाकर टूनी को कुछ दिनों के लिए खुश रख सकता हूँ। तुम मेरा ये भोजन ले लो गौरी बहन, और मुझे अंडा दे दो। फिर गौरी भोजन लेकर अंडा टूना को दे देती है, और गौरी अपने घोंसले में चली जाती है। और टूना अंडा लेकर जल्दी जल्दी टूनी के पास पहुंचकर टूनी को सारी बात बताता है। टूनी, ओ टूनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। टूनी अंडा देखकर टूना से कहती है, टूना जी ये अंडा कहाँ मिला? तब टूना सारी बात टूनी को बताता है। फिर टूनी गौर से अंडा देखकर कहती है, टूना ये तो मेरे ही अंडे हैं, मिल गया, मुझे मेरा अंडा मिल गया। टूनी की बात सुनकर टूना हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये अंडा हमारा ही है? कोई माँ अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? फिर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसका खोया हुआ अंडा उसे मिल जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसके अंडे से सुंदर सा बच्चा निकल जाता है, जिसका नाम वे कुकू रखते हैं। अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लौट आती है। दोस्तों, आपने देखा एक माँ को अपने अंडे से कितना प्यार होता है। रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने मौसी के घर में रह रही थी। टूनी के माँ बाप की पहले ही मृत्यु हो गया था। टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा के बीच गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अक्सर छुप छुप कर बातें किया करता था। एक दिन टूनी और मानो एक पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें उनकी मौसी बबली कबूतरी देख लेती है। क्या रे मनहूस टूनी, यही सब करने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा होता कि तुम अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती। तेरा क्या, अगर तुम इस लफंगे मानो के साथ किसी दिन भाग गई तो मेरा तो नाक ही कट जाएगी ना। रुको, आने दो तुम्हारे मौसा जी को, उनसे कहकर तुम्हारी रिश्ते की बात करने को कहती हूँ। अब जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आज से तेरा बाहर निकलना बंद। मौसी ऐसा मत करो, मैं मानो के बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर आपको मेरी शादी करवाना ही है तो मानो से करा दो। फिर टूनी की मौसी बबली कबूतरी टूनी को घर में बंद कर देती है। कुछ ही दिनों बाद बबली कबूतरी टूनी की शादी एक गरीब परिवार में करा देती है। टूनी का पति कालू कौवा मजदूरी किया करता था। टूनी इसे अपनी किस्मत समझकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। टूनी बहू,
तुम्हारे पास जितना भी जेवर है मुझे दे दो, उससे मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। लेकिन मम्मा, ये तो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, मैं अपने जेवर आपको नहीं दे सकती। देखो टूनी, आज के बाद तुम मुझसे जबान मत लगाना, नहीं तो तुम्हें काट कर जंगल में फेंक आऊंगी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है। टूनी अपनी सास की बातें सुनकर डर जाती है। ठीक है मम्मा, मैं अपनी जेवर लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी जेवर अलमारी से निकाल कर अपनी सास को दे देती है। ये लीजिए मम्मा जेवर। कुछ दिनों के बाद टूनी के दो बच्चे जन्म लेते हैं। टूनी को अपने दोनों बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर का सारा काम करना पड़ता था। मीनू चिड़िया सिर्फ बैठे बैठे खाती रहती थी। फिर एक दिन टूनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने दोनों बच्चों को संभालूं या घर का काम करूं? आप माँ जी को बोलिए ना कि घर के कामों में थोड़ी मेरी हाथ बटाए या मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए संभाले। टूनी की ये सारी बातें उसकी सास मीनू चिड़िया सुन लेती है। क्या रे कलमोही, क्या चुगली लगा रही हो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ? देखो कालू, सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे नाम पर ही है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत किया तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूंगी। इस तरह मीनू चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया को डरा धमका कर उससे घर का सारा काम करवाती। काम में कमी आने पर कभी कभी मीनू चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया की पिटाई भी करती रहती। इस तरह सास के अत्याचार से तंग आकर एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उन्हें कुछ पक्षियां चूड़ी बेचती नजर आई। तब टूनी चिड़िया उनके पास गई और बोली, बहन जी, मेरे बच्चे भूख से परेशान हो रहे हैं, अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा देते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ बहन, ये लो चूड़िया और इसे जंगल में बेच आओ, और जो मुनाफा होगा उसमें हम दोनों 50-50 के हिस्सेदार होंगे। ठीक है बहन जी। यह कहकर टूनी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ले लो बहन जी, चूड़ियाँ। ये लाल वाली चूड़ियाँ मुझे दे दो बहन जी। हाँ हाँ लीजिए बहन जी। कितनी कीमत है बहन जी की? मात्र 100 रुपए। आप इतनी गर्मी में चूड़ियाँ बेच रही हो, ये लीजिए 110 रुपए, 10 रुपए मेरी तरफ से टिप्स। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। देखते ही देखते चूड़ी लेने के लिए टूनी के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। इस तरह चूड़ियाँ बेचकर टूनी की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। फिर टूनी चिड़िया तोती के पास जाकर बोलती है, ये लो बहन आज की कमाई। फिर तोती टूनी को कुल लाभ का 50% वापस कर देती है। पैसे लेकर टूनी चिड़िया जाने लगती है। तभी तोती बोलती है, रुको टूनी, मैं 2 सालों से चूड़ियाँ बेच रही हूँ पर आज तक इतनी चूड़ियाँ नहीं बेच पाई जितनी तुमने बेची। आज से तुम अपने दोनों बच्चों के साथ मेरे घर में ही रहोगी, अब हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहेंगे। तब से टूनी चिड़िया तोती के घर में खुशी खुशी रहने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी, तभी उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी जो खेत में काम कर रही थी। जब टूनी चिड़िया उसके पास गई तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह चिड़िया कोई और नहीं बल्कि उसी की सास थी। मम्मा, आप यहाँ खेत में क्यों काम कर रही हैं? टूनी बेटी, मुझे माफ कर दो, शायद तुमसे गलत व्यवहार करने का भगवान ने मुझे ये सजा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं मम्मा? बेटी, तुम्हारे घर से चले जाने के कुछ ही दिन बाद। मम्मा मम्मा, आप अकेली काम करके थक जाती हो, एक बहू क्यों नहीं लेके आती? टूनी कितनी अच्छी थी,
पर आपको उसका काम नजर ही नहीं आता था। अब पता चल रहा है ना कि काम करने में थकान होती है या नहीं। हाँ बेटा, आज अगर टूनी बहू होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मा, मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना बना के रखिएगा। यह कहकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। शाम के समय कालू कौवा काली कौवी को शादी करके अपने साथ लेकर आ जाता है। मम्मा मम्मा, आज से ये तेरी बहू है, मैंने शादी कर ली है इससे, और काली ये मेरी माँ है। आओ बेटा, खाना खा लो। मम्मा, हम दोनों ने खाना खा लिया है, आप खाना खा लीजिए और सो जाइए। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। सुबह होने पर मीनू चिड़िया काली कौवी से बोलती है। अरे बहू काली, सुनते हो, घर में बहुत काम पड़ा है, जल्दी से बर्तन धोकर नाश्ता बना दो, कालू बेटा काम पर जाएगा। अपनी सास की बातें सुनकर काली कौवी बर्तन मांझने लगती है। फिर कुछ देर के बाद कालू कौवा काम के लिए घर से निकल जाता है। कालू के घर से जाते ही काली कौवी बोलती है। क्या रे बुड्ढे, तुम मुझे काम बतलाएगी और खुद आराम करेगी, जल्दी उठो और झाड़ू लगाओ, बड़ी आई मालकिन बनने, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अपनी बहू का बुरा व्यवहार देखकर मीनू चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है, और काली कौवी सो जाती है। शाम के समय कालू कौवा मजदूरी करके घर वापस आ जाता है। तब मीनू चिड़िया अपने बेटे को उसके पत्नी के बारे में सारी बातें बताती है। काली, इधर आओ। बोलो जी, क्या बात है? तुमने मम्मा से घर का सारा काम करवाई? क्यों, आपकी मम्मा क्या कोई महारानी है जो काम नहीं करेगी? काली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो ना? देखिए कालू जी, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं अकेली घर का सारा काम करूँ और ये बुढ़ी बैठी रहे। और हाँ, आप दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस जंगल के कड़कनाथ सेठ की बेटी हूँ। इस जंगल की सारी पक्षियाँ मेरे बाप के कहर से थर थर कांपता है। अगर तुम दोनों ने मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी की तो तुम दोनों जान से जाओगे। कड़कनाथ का नाम सुनकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों डर जाते हैं। फिर काली कौवी घर की मालकिन बन जाती है और मीनू चिड़िया से घर का सारा काम करवाने लगती है। बेटी, मैं काली के कहर से परेशान होकर घर छोड़कर जंगलों में भटक रही हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, अगर मैंने तुम्हें नहीं परेशान करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मा, आप परेशान ना हो, आप चलिए मेरे साथ, आज से हम सभी मिलजुल कर रहेंगे और चूड़ियों की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। फिर टूनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों मिलकर चूड़ियों की एक बड़ी सी दुकान खोल देती है, और फिर दुकान में चूड़ियां बेच बेच कर वे बहुत ही अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी